हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं हमारा चैनल आशिम टेक्नोलॉजी रिसर्च। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ एलसीडी और एलईडी यूनिवर्सल बोर्ड में कैसे कनेक्ट करना है और इसको सॉफ्टवेयर कैसे करना है। ये आपको दिख रहा है, ये है इन्वर्टर बोर्ड जो एलसीडी और एलईडी के लाइट को पावर देने के लिए काम करता है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना पड़ेगा एलसीडी को कनेक्ट करने से पहले उसका जो पावर है वो डेटा शीट में चेक करना पड़ता है। और एलसीडी डेटा शीट आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन से, उसका डेटा शीट आपको मिल जाएगा। आप किसी भी तरीके की एलसीडी को और एलईडी को आप इसमें चला सकते हैं, पर उसका सॉफ्टवेयर मिलना ज़रूरी है। तो दोस्तों, अभी मैं आपको इस एलसीडी का, ये जो लैपटॉप का एलसीडी है, इसको कैसे सॉफ्टवेयर करना है और ये पेन ड्राइव में आपको डालना पड़ता है, तो इसके लिए पहले आपको फॉर्मेट करना पड़ता है। दोस्तों, ध्यान रखिए, ये डिफ़ॉल्ट में ही आप फॉर्मेट करें, FAT32 में। फॉर्मेट हो जाने के बाद आपको इसमें फाइल डालना पड़ता है। दोस्तों, ध्यान रखने वाली ज़रूरत है कि ये आपको पेन ड्राइव में कोई काम का चीज़ नहीं हो। पेन ड्राइव में सॉफ्टवेयर डालने से पहले आपको एलसीडी का रेजोल्यूशन जानना पड़ता है। और आप ये जो एलसीडी का डेटा शीट है, इसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी कनेक्शन है उसमें, और इससे यूनिवर्सल बोर्ड में जो कनेक्शन लगने वाला होगा वही आपको मिला के उसके कनेक्ट करना होगा। उसके बाद ही आपको उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इस वाले में तो 1280x800 के रेजोल्यूशन के सॉफ्टवेयर हम पेन ड्राइव में डाल लेते हैं। दोस्तों, उसके बाद हम पेन ड्राइव को यूनिवर्सल बोर्ड में कनेक्ट कर लेते हैं और अभी पावर कॉर्ड उसमें डाल देते हैं। दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात है कि पेन ड्राइव डालने के बाद ही आपको पावर ऑन करना है। उसके बाद आपको ये लाइट में कुछ चेंजेस दिखाई देंगे आपको, तो ये चेंज इसका मतलब है कि फ्लैश में जो डाला है हमने सॉफ्टवेयर को वो इंस्टॉल हो रहा है। उसके बाद जब पूरा कंप्लीट हो जाता है फ्लैशिंग, तब स्पीड में फ्लैश करने लगता है, तब सब समझ जाएंगे कि आपको फ्लैशिंग जो है वो कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस। तो अभी तो ये फ्लैशिंग हो रहा है, मतलब कि इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है पूरा। तो अभी हमको इसका जो पावर है उसको खोलना पड़ेगा, और खोलने के बाद आपको पेन ड्राइव निकल के टीवी को ऑन करना पड़ता है। दोस्तों, ऑन करने से आपको पता चल जाएगा कि ये सॉफ्टवेयर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, तो अभी देख लेते हैं। दोस्तों, आप नील लाइट ऑन होने का मतलब है कि ये बोर्ड अभी तो ठीक है, तो स्क्रीन आने के बाद ही पता चलेगा कि एलसीडी ठीक से काम कर रहा है। हाँ, तो काम कर रहा है, अभी पूरा स्क्रीन आ गया है। और अभी तो इसका सेटिंग करना पड़ेगा, तो सेटिंग कर लेते हैं। सेटिंग में जाने के लिए आपको पहले मेनू बटन प्रेस करना पड़ता है, उसके बाद 1147 डायल करने से आप इसका इंटरनल जो सेटिंग है उसमें चले जाएंगे। तो अभी देख लेते हैं। तो दोस्तों, मेनू आने के बाद आपको ऐसा दिखेगा, तो आपको उसके में जाके पैनल सेटिंग में जाना होगा। पैनल सेटिंग के जाने के बाद आपको आएगा कि प्रीसेट पैनल आईडी, पैनल आईडी आपको सेट करना पड़ता है। तो पैनल आईडी इस टीवी में तो 3 नंबर पैनल आईडी काम कर जाएगा। तो आप देख ले कि आपको कौन सा फिट होता है आपके टीवी में, तो वही सेट कर ले। उसके बाद आपको चेक करना पड़ता है कि वीडियो दिख रहा है कि नहीं, तो इसके लिए हम तो पेन ड्राइव लगा लिए। आप किसी भी तरीके की यूज़ कर सकते हैं, वीडियो केबल और DTS या कंप्यूटर को आप लगा के देख सकते हैं। तो अभी हम मीडिया में जाते हैं, मीडिया में जाके वीडियो चेक कर लेते हैं और उसका साउंड कैसा आ रहा है अभी, तो वो आपको पता चल जाएगा।
दोस्तों साउंड भी अभी तो आ चुका है और ये ठीक से काम कर रहा है। तो आप भी आपका टीवी बना लीजिए और आप हमारी कमेंट लाइन पे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और इस तरीके का वीडियो आपको मिल जाएगा हमारी चैनल पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।